जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि शिमला से अगर आपको रोहडू जाना है तो उसके लिए इस समय सारणी है, टाइमिंग है और भी जगह से यहाँ से आप रोहडू के लिए जा सकते हैं आसानी से। तो अभी मिला है, मुझे रोहडू जाना है तो शिमला से बस पकड़ के आप जा सकते हैं। और इस वक्त दोस्तों हम लोग रोहडू में पहुंच चुके हैं। यहाँ से रोहडू से हम आगे जिसकुन के लिए जा निकलेंगे, क्योंकि जिसकुन में ही आज हमारा बेस कैंप होगा और उसके बाद ही हमारा रूपिन पास का ट्रैक स्टार्ट होगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर अपनी इस गाड़ी से आए हैं। हम लोग 5 ट्रैकर हैं तो ये गाड़ी से आए हैं। यहाँ पर हमारा क्लॉक रूम है, जो सामान रखेंगे इस क्लॉक रूम में। हरीश भाई तो स्टार्ट हो गया हम लोग है? हाँ भाई ड्राइवर साहब देख लो कुछ है ना, चलो सही है। हाँ आकाश भाई है, ये केरला से। अरे अशोक अशोक भाई है, ये तो डिलीट कर देना चाहिए आपका वीडियो। इनके दिमाग में आकाश भाई चढ़ गया है। हाँ यार हैं, ये नीलिमा उड़ीसा से, हरीश भाई राजस्थान से, ये यूपी से, स्तुति यूपी से, मेरठ से। यूपी वालों का गाड़ा भारी है यार, ये तो कच्चा ही रास्ता है पूरा। ये रास्ता ऐसे ही है क्या? रास्ता यही है, वहाँ से जाना है। कहाँ से? उधर से, वो जो बर्फ दिख रही है, 10 चेंशिल पीक। हाँ चेंशिल पीक है भाई, वो कैसे प्रोनाउंस करते हो? चेंशिल और ये हम लोग हैं रोहडू से जिसकुन के रास्ते में। थोड़ी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऑयल वगैरह निकल रहा है और गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है।
जब रूपिन पास करने के लिए आप रोडू से जिसकुन की तरफ जाएंगे तो ये चांसल पास आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसको बोलते हैं चांसल, चांसल पास, चांसल घाटी। 11,300 फीट की हाइट है इसकी, और इसको क्रॉस करके ही हम लोग जिसकुन की तरफ जाते हैं जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरफ ये आपका किन्नौर साइड में है, बहुत ही खूबसूरत है, चांसल पास है ये। यहाँ से होके आपको जाना ही पड़ेगा जिसकुन के लिए, जिसकुन से ही हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है रूपिन पास का। तो यहाँ से होकर आप जब जाएंगे तो ये आपको जरूर पड़ेगा रास्ते में जिसकुन के लिए। ये हमारे ग्रुप के सारे लोग हैं जो साथ में ट्रैक। बेस कैंप जिसकुन में है, ये सामान उतर रहा है, ये हम लोगों का होम स्टे है, यहाँ रुकना है, नीचे क्या है तैयार है सब कुछ। कल स्टार्ट होगा। तो अभी मैं हमारे होम स्टे के बारे में बता दूँ, यहाँ पे ये हमारा होम स्टे है, ये हम लोगों ने एंट्री की फर्स्ट फ्लोर पे। ये वहाँ पे कुछ मीटिंग रूम वगैरह है, ये आज का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा रूपिन पास के बारे में, रूम डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उसके लिए। और इधर आ जाएंगे तो ये पूरी बालकनी है जिसके दोनों तरफ रूम्स हैं रुकने के लिए। ये हमारा रूम है, देखिए इसमें होम स्टे में रूम रुके हुए हरीश भाई हैं, सिद्धार्थ है, हरीश सिद्धार्थ बेंगलोर से है। और सिद्धार्थ कुछ बताओ कैसा रहा नाइट में? बढ़िया रहा। ये देखो ये हम लोगों का नाइट में हम लोगों ने इसमें स्टे किया है, हम लोग 6 पर्सन थे। और अभी पैकिंग वगैरह हो रही है कल, क्योंकि अभी ट्रैक स्टार्ट करना है इसलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी मैं हूँ जिसकुन में, और आज है 29 तारीख, 29 मई 2023, और हम लोगों का ट्रैक आज सुबह से स्टार्ट होगा। तो ये जिसकुन हमारा बेस कैंप था, कल हम लोग रोडू से हम लोग शिमला में थे सुबह, तो शिमला से सुबह 6 बजे निकले, तो हम लोग 5 लोग थे शेयरिंग से अपनी कैब की, उससे हम लोग शाम को यहाँ पे 7 बजे पहुँचे। आज हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होगा जिसकुन से, और झाका तक हमारा ख़त्म होगा। आज का ट्रैक हमारा 4 किलोमीटर का है, तो इसका एल्टीट्यूड लगभग 7,000-7,500 फिट है, और फिर झाका पहुँचेंगे। तो आगे आपको बताते हैं, अभी हमारा ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा होम स्टे था, घूम यहाँ पर रुके हैं हम लोग नाइट में। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच के, और ये आपका जिसकुन विलेज है जिसमें काफ़ी देखिए कि लकड़ी के ही पुराने तरीक़ा से बने हुए घर ही हैं, जिससे कि काफ़ी ये मतलब लकड़ी जो होती है ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ठंड में, और धूप से ना ज़्यादा गर्म होती है, मॉइस्चर भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लकड़ी का घरों को बनाने के लिए यूज़ किया गया है। ये कि यहाँ पर ये देखिए भारतीय डाक का, इंडियन पोस्ट का एक बॉक्स रखा हुआ है, जिसको अपने घर अगर कोई लेटर वगैरह भेजना है तो भेज सकते हैं। और ये इंडियन पोस्ट पोस्ट ऑफिस है, इसका पिन कोड भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये झाका, झाका डाक शाखा है ये, और ये पिन कोड भी दिया है, और इसमें इसका ओपन और क्लोज का टाइम भी दिया हुआ है। खाने पीने के लिए है, चाय वगैरह नाश्ता। और ये ऋषभ भाई हैं दिल्ली से, और सर पानीपत से हैं। हाय, कैसे हैं सर? ऑल गुड, आप बताइए। बढ़िया, नाइट कैसा रही? ओह परफेक्ट परफेक्ट। और सब भाई बढ़िया? बढ़िया बढ़िया। चलो बस इडली बना रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए सुबह के लिए। और क्या था? बढ़िया ठीक है। क्या नाम है आपका?
अच्छा, जसकुन विलेज में थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए जसकुन विलेज को है? शॉप्स भी आगे देखेंगे। हाँ ये देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं। मतलब वुडन हाउस, वुडन हाउस है ना, देखिए कैसे हैं। ये देखिए इसमें ऊपर पत्थर है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये भी मकान जो है वो लकड़ी के ही बने हुए हैं, ठीक है नहीं, तो इसलिए मकान तो ज़्यादातर भाई लकड़ी के बने हुए हैं। एक ये मकान है, ये मकान देखिए आप पूरा, ये भी लकड़ी और पत्थर का, ज़्यादातर छतें जो हैं वो पत्थर से कवर्ड है। ये देखिए राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय जिसकुन, तहसील रोड़ू, जिला शिमला। इसमें आपका ओपन होने का टाइम दिया है, और इसके बगल में जो हैं वो भी मकान पूरे आपके लकड़ी के बने हुए हैं, और बढ़िया है, नेचुरल, मतलब सब कुछ नेचुरल है। Nice. आप जो मकान भी है वो भी नेचुरल है, लकड़ी का पत्थर का यूज़ हुआ है, ना किसी प्रकार का सीमेंट, ना बजरी, फालतू का कुछ खर्चा नहीं, आराम से आप। ये हमको शॉप मिली है एक, अभी जिसमें हमारे कुछ ट्रैकर साथी हैं जो कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप कैब भी ले सकते हैं, कोई ट्रैकिंग का सामान जो आपको यूज़ के लिए लेना है तो यहाँ पर शॉप है जिससे आप ले सकते हैं, और यहाँ से आप कैरी कर सकते हैं। जिसकुन राधा स्वामी सत्संग व्यास, यहाँ पर भी आपका राधा स्वामी सत्संग व्यास का आपका जिसकुन में है, जो भी यहाँ पर इनके अनुयायी हैं वो यहाँ पर अपना सत्संग व्यास में आते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, ट्रैक लीडर फॉर द ग्रुप विच हैज कम यस्टरडे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स जाका टुडे एंड होपफुली वी हैव द कॉन्फिडेंस वी विल मूव टुवर्ड्स रुपिन पास एंड कंप्लीट दैट ट्रैक। सो हाई फाइव टू प्रेम। सो वेलकम वंस अगेन, ब्लॉग बना रहे, हाय, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। वेदर फोरकास्ट कोई नहीं लिखता। मैं एक्चुअली दो दिन से स्टडी कर रहा था ये वेदर फोरकास्ट, परसों का है तो ये मैंने स्पेसिफिकली, ठीक है। सो दिस इज मैप ऑफ रुपिन पास एंड नाउ आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। Try not to interrupt in between and let me complete all of this. So first of all, where are we right now? Jiskun. And we are not camping, this is a homestay. We are staying in a homestay. So Jiskun is a place where we are going to start our trek and today we are going to Jaka. So Jaka is around 8,800 feet. Currently we are 7,700 feet. Roughly around 1000 feet, more than 1000 feet we are going to gain. Then again in Jaka, main Jiskun to Jaka detail mein bhi bataunga ki how it is going to be terrain wise. And every day in morning I will be sharing in detail, bahut detail mein ki kya kya terrain mein hoga, kaun se jagah mein kitne dino pahunchne wale hain. But for now I will be sharing the kilometers. So today is comparatively easier day, 4.5 kilometers. Ascent descent obviously rahega kyunki we are going to gain the height. Today's stay will also be in the homestay. Jaka village बहुत लोगों ने देख लिया होगा ऐसे दिखता है। That is a proper village. We will stay in the homestay, which is much better than this. And the briefing hall you will see, it's like tremendously beautiful. What exactly you need to do? जब भी आप ट्रेन पे कुछ देखते हैं, हो सकता है कि कभी आपका बैग ज़्यादा ही भारी हो, नहीं आपको लग रहा है कि नहीं उठा पाएंगे, तो जस्ट अगर मैं हम लोग अराउंड में हैं तो आप बोल दो कि राहुल दिस इज द वेस्ट, आई एम नॉट एबल टू पिक, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पिक दैट। 21 + 24 आई कैन एंटिसिपेट एंड आई वांट एवरीवन ऑफ अस टू बी एट द समिट एंड चीयरिंग फॉर ईच अदर, चीयरिंग फॉर अवर लव्ड वंस, वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर लव्ड वंस फैमिली। तो अब हम डेमो के दो महीने का क्या
तो ये हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है जिसकुन से जाखा के लिए आज, और थोड़ी ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग के बाद हम लोग निकल चुके हैं सारे ट्रैकर, और जिसकुन विलेज से होते हुए निकल रहे हैं, और अभी स्टार्टिंग है। देखिए सारे ट्रैकर जा रहे हैं, और ये तक्का ट्रैक है, 8700 फीट एलिवेशन है इसका, और 3 किलोमीटर का रास्ता है। तो बहुत ही सुंदर जगह है ये। देखिए हमारे ट्रैकर जा रहे हैं आगे, और फॉरेस्ट का रास्ता है ये, आप देखिए। ये देखिए सारे ट्रैकर जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रास्ता है अभी तक। कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ईज़िली पहले दिन कोशिश करिए कि ईज़िली आप चलते रहें। ये देखिए बहुत ही बढ़िया रास्ता है, और सारे ट्रैकर जाते हुए। जंगल काफ़ी घना है। ये रूपिन नदी है साइड में, साइड से ये रूपिन नदी बिल्कुल रूपिन पास तक जाएगी है, वहीं से इसका उद्गम स्थल है रूपिन नदी का, और वहीं से ये चलती है, निकलती है रूपिन पास से ये रूपिन रिवर, और ये देखिए यहाँ थोड़ा ये थोड़ा यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, इसलिए थोड़ा रुक गए थे सारे ट्रैकर। अब सब लोग साथ में जा रहे हैं आराम से, क्योंकि थोड़ा आप देख रहे होंगे कि लैंडस्लाइड हो रहा है ये, तो थोड़ा रास्ता कट गया है यहाँ से, इसलिए थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है सारे ट्रैकर को। ये हमारे गाइड हैं, जा रहे हैं आगे रास्ता थोड़ा देखने के लिए कि रास्ता बेटर है कि नहीं। ये रास्ता है आपका झाका के लिए, थोड़ा यहाँ पे झाका के लिए हमारे ये गाइड हैं, थोड़ा हमको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा रास्ता उतरने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। स्टेप थोड़ा देख के लेना पड़ रहा है यहाँ से, आप देखिए सीधे सीधे खड़े हो जाओ, सीधे सीधे हो जाओ, कुछ नहीं होगा, बैलेंस बना लो, बस सीधे सीधा हो जाओ, सीधा
पीछे भी हमारे आ रहे हैं ट्रैकर, आप देखिए हमारे गाइड आराम से आराम से आराम से। ये ना पुल इस साइड रखो, ये देखिए। चलिए सर आराम आराम चलिए, ये देखिए ये हमारी स्तुति जी आ रही हैं, हमारे गाइड है पीछे और कुछ ट्रैकर हैं और लैंडस्लाइड है। चलो गुरु आराम आराम चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस साइड रखो, बस वेट सीधा रखो, अपना वेट सीधा रखो, टेढ़ा मेढ़ा मत करो, कॉल रोड बेटा इस साइड रखो अपना, ये इस साइड मत रखो, ये अपना इस साइड रखो इसको, हाँ ये वाला ऐसे इसको जमाओ कस के मारो। चलो गुरु चलो, ये देखिए स्पेल नहीं दिख रहा, नहीं ये प्रॉपर कोई आप आपका टेंशन नहीं ना बोल रहे थे ना, मैं चेक कर रहे थे ये तो नहीं था लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड एरिया क्लियर हो चुका है। ये हमारे गाइड और स्टूडियो जी आ रही हैं, ये देखिए आप थोड़ा है, पीछे आ रही है स्तुति मैडम, तो देखिए आप ये स्तुति के लिए तो हर स्टेप नॉस्टैल्जिया है पूरा, आपके लिए तो हर स्टेप नॉस्टैल्जिया है पूरा, नहीं ये नया हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा देख के सामने रूपन नदी, इतना सुंदर ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए लोग, रेस्ट कर रहा है, ये हाफ डे ट्रैकिंग हो गया है। ये देखिए नदी का वहाँ बढ़िया है एकदम झरना, ये हमारे कुछ सारे हमारे ट्रैकर ये करके ऊपर की तरफ जाएंगे झाका की तरफ, और धीरे धीरे करके सारे लोग आ रहे हैं। ये देखिए रास्ता एकदम कटिंग हो रखी है, और ये हमारे हरीश भाई हैं चलते हुए, कुछ ट्रैकर हैं, इतना अच्छा व्यू है। देखिए इस रास्ते से हम लोग आए होके वो रास्ता वहाँ से ऐसे करके इस रास्ते से होते हुए आए हैं, थोड़ा हल्का सा क्लाइम है। देखिए हम लोगों ने हाइट गेन की है और अभी और करेंगे, थोड़ा ज़िगज़ैग वाला पोर्शन आ चुका है, इसको धीरे धीरे करके करना है। अगर आप नए ट्रैकर हैं तो ज़्यादा ज़ोर मत लगाइए, क्योंकि ट्रैक अभी बहुत पड़ा हुआ है, इसलिए आराम आराम से इसको करना है।
क्योंकि अगर इसमें आप ज़्यादा जोर लगा देंगे तो आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत एनर्जी को आपको बचा के भी रखना है और धीरे धीरे उसका यूज़ भी करना है, क्योंकि ट्रैक काफ़ी लंबा है और टफ है। टफ तो नहीं है, मॉडरेट है, लेकिन आराम आराम चलिए, वातावरण का मज़ा लीजिए और इसको महसूस करिए। आते हुए थोड़ा हाइट गेन किया इसमें, 1 किलोमीटर बाकी है हमारा, 1.2 किलोमीटर। ये देखिए जाखा विलेज आपको दिखता हुआ और ये ट्रैकर जाते हुए, हमको ये विलेज तक जाना है। कुछ लोग हमारे पहुंच भी चुके हैं वहाँ तक। ये हमारे ट्रैकर चिरमे जी, थोड़ा चलते चलते इनके चोट आ गई है और ये इनको आप भी मूव करते रहो, एक बार ऐसे दर्द हो रहा है, अभी थोड़ी बैंड नहीं हो पा रहा क्या? अच्छा कोई नहीं, थोड़ा पेन हो रहा है क्या ज़्यादा? थोड़ा मूव करने में या वैसे ही रखे रखे। ये कि झाका आपको दिख रहा होगा, झाका विलेज पीछे हम ये रास्ते से होते हुए आ रहे हैं। है ना लिए ना अरे गुरु प्राकृतिक आनंद लो, गुरु आदमी है। अरे नहीं मीटिंग हुआ नीलिमा। बजाज बाबू, सिद्धार्थ बाबू, चिन्मय बाबू हैं, थोड़ा सा इनको इंजरी हुई है, लेकिन देखिए ट्रैकर स्प्रे और उत्साह के साथ बढ़ाते हुए आगे चले आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से नहीं, दो स्टेप मतलब चिन्ह में बैटर लग रहा है तो एक ही आराम आराम से लीजिए, कल तक सेट हो जाएगा। वेरी गुड चिन्ह में बाबू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख के वॉच आउट फॉर बच्चों घास, वेरी गुड। ओ पाजी आ जाओ, ओ पाजी किदा, बढ़िया बढ़िया। आपके पिक्चर में हम हैं कि नहीं? कहीं नहीं, बिल्कुल सर, कैसे बात कर रहे हैं? अभी तो बहुत लंबा पड़ा है। अरे हो भाई, ये आ गया हमारा होम स्टे झाखा में। कैसे हो? और हमारे गाइड, थैंक यू, वेलकम, सबका उत्साह बढ़ाते हुए। और ये हमारे ट्रैकर आ रहे हैं, वेलकम, बहुत बढ़िया। और ये होम स्टे है हमारा, आज हम लोग यहीं रुकेंगे और थोड़ा झाका को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। ये देखिए एवरी वन मस्ट ट्रैक, गुड टाइम। ये देखिए झाका का जो आपका मकान बने हुए हैं, ये पुरानी सिस्टम में बने हुए हैं, जहाँ लकड़ी और पत्थर का उपयोग बड़े ही अच्छे तरीके से किया गया है। जैसे ये है, कुछ ऊपर ही बने हुए हैं मकान, ये आप देखिए यहाँ पर पूरा लकड़ी और पत्थर का यूज़ किया गया है, ताकि मकान
कभी भी अगर कुछ भूकंप वगैरह आता है तो उससे सुरक्षित रहें उनका जीवन, इसलिए मकान ज़्यादातर लकड़ियों के ही बने हुए हैं। ये जो लकड़ी के मकान बनाए गए हैं जिसमें लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल बड़ी उचित तरीके से किया गया है, इसको कटकुनी पद्धति के आधार पर इनको बनाया गया है। इस सिस्टम को कटकुनी बोलते हैं। ये है यहाँ के झाका विलेज के लोकल लोगों का मंदिर है, जिसको इनको इस मंदिर को ये लोग अपना इष्ट देव मानते हैं। और अभी मंदिर बंद है ये, और ये भी मंदिर वही पुराने कल्चर पर बनाया गया है लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करके। कब खुलता है ये? नहीं खुलता सर, जो धारा में है ना मंदिर हमारा, वो खुलता है, वो खुलता है। ये है झाका विलेज, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, राधा स्वामी सत्संग व्यास झाका, यहाँ पर भी राधा स्वामी जी का सत्संग व्यास है। और ये आपकी बिल्डिंग है जिसमें यहाँ के लोग राधा स्वामी जी के अनुयायी हैं और काफ़ी मानता है, तो यहाँ पर ये राधा स्वामी जी का सत्संग है ये झाका विलेज में। और